दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग की चार अलग अलग मेथड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे सर्किट ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, फाटलेग ट्रेनिंग एंड इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि ये किसने इन्वेंट की थी और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सर्किट ट्रेनिंग, इसकी खोज आर ई मॉर्गन एंड जी टी एंडरसन ने की थी। कॉमनली इन्हें मॉर्गन एंड एडमसन कहते हैं। सर्किट ट्रेनिंग को 1953 में सबसे पहले बनाया गया था। सर्किट ट्रेनिंग से मेनली स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर इंड्योरेंस डेवलप होता है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इसकी खोज डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन एकन ने की थी। इस ट्रेनिंग से एंड्योरेंस डेवलप होता है। फाटलेग ट्रेनिंग, इसकी खोज गोस्टो होल्मर ने की थी। इस ट्रेनिंग से भी एंड्योरेंस डेवलप होता है। फाटलेग ट्रेनिंग को ही स्पिट प्ले ट्रेनिंग के नाम से ही जाना जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग, इसकी खोज डॉक्टर हंस रेंडियल और वांडरवर्थ स्किल्चर ने 1930 में जर्मनी में की थी। इस ट्रेनिंग से भी एंड्योरेंस डेवलप होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सेव करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।